देश की कृषि नीति और खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यूक्रेन सरकार ने गेहूं और मेस्लिन के निर्यात का लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। मार्च में यूक्रेन ने ओट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, वहीं निर्यात लाइसेंस की जरूरत वाले सामानों की सूची में गेहूं को शामिल किया। अप्रैल में यूक्रेन के अनाज के उत्पादों, प्रोसेसर और निर्यातकों के संघ यूक्रेन ग्रेन्स एसोसिएशन ने सरकार से नई फसल के लिए बिक्री और मुफ्त भंडारण क्षमता को आसान बनाने के लिए गेहूं निर्यात लाइसेंस रद्द करने को कहा। यूक्रेन ने 2021-22 में 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच 61.52 मिलियन टन अनाज और तिलहन का निर्यात किया, जिसमें 18.7 मिलियन टन गेहूं और 12,600 टन ओट्स शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।